भाई शादियों की जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा अटावली कबड्डी टूर्नामेंट का। एक तरफ रहने वाली है ग्रीन आर्मी की टीम, दूसरी तरफ रहने वाली है साई सोनीपत की टीम। साई सोनीपत में भाई आपको नीरज नरवाल भी देखने को मिलेगा, सुमित देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त मुकाबला भाई। और भाई मोनू इस टीम का हिस्सा है लेकिन इस समय टॉस जीता था साई सोनीपत ने और कोर चूज किया पहली रन। पहली रन भाई छह नंबर जर्सी में ग्रीन आर्मी की तरफ से टैकल देखने को मिला है आशीष का, बहुत मैच आपने देखे हैं इस टूर्नामेंट के बेहतरीन से बेहतरीन, लेकिन उन्हीं में से एक ये मुकाबला। उससे अगला मुकाबला नासिक आर्मी और बालूराम ने जाना, नासिक आर्मी बालूराम ने जाना। ग्राउंड नंबर एक पर मैच चला हुआ है साई सोनीपत, साई की तरफ से आठ नंबर की दृष्टि में ग्रीन आर्मी कमाल का एक ओवर देखने को मिला। अमित सामने से आए थे, भाई एक कमाल की कैच, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट मतलब वन वन ही जाएगा, नहीं भाई स्ट्रगल में शामिल हो गया। एक एक टाइम आउट है भाई, मतलब मुकाबला बहुत छोटा है। इस समय के हमारे अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई अटावला कबड्डी टूर्नामेंट अपने आप में एक पहचान है हरियाणा कबड्डी टूर्नामेंट तो में हमारे में हरियाणा में कबड्डी के बहुत पहुंचे हैं, पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। टूर्नामेंट होते भाई उन्हीं में से एक, और भाई विनी तो भाभी 12 नंबर जर्सी में, और जिला के महामंत्री भाई महावीर भैया जी आदान खरीदा जी। हालांकि भाई रेड आर्मी और ग्रीन आर्मी आर्मी की सबसे मजबूत, लेकिन एक टीम इस समय बाहर हो चुकी है जो कि बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिला था भाई स्कूल वर्सेस रेड आर्मी के बीच, जिसमें अंतिम क्षणों में 3 पॉइंट से बाजी मारी। आप सबका स्वागत है भाई स्कूल की टीम में, भाई ये कमाल की क्या अच्छा मोहित की किसान मोर्चा के जिला के प्रधान हुई है भाई मां नितिन 9 नंबर जर्सी में सुपर टैकल की सिचुएशन, और डिफेंस बहुत मजबूत है साई सोनीपत का, क्या इस डिफेंस को भेज पाएंगे। टू और डाई सुपर टैकल की सिचुएशन, तेज भाई प्रो कबड्डी में यूपी होता टीम का हिस्सा है, और क्या सुपर टैकल को अंजाम देंगे, बिल्कुल सुपर टैकल को अंजाम दिया है भाई, 2 पॉइंट मिलते हुए साइको नीरज नरवा सुपर टैकल कंप्लीट किया साइज ने, स्वागत करते हुए के साथ इनका सत्कार और इसका प्रयास जरूर किया।
बिल्कुल बाघ जैसी नजर के साथ अपनी निर्णय की अक्षमता को दर्शाते हुए तेनाकरा जी चार के पास में हेलो बिल्कुल ठीक है आपने और नितिन जी बिल्कुल ठीक है आपने आपको ध्यान रखे और हरियाणा 11 वर्षीय राका इनाना भी अपने आपको ध्यान रखे हरियाणा 11 वर्षीय राका इनाना भी ध्यान रखे और यहाँ पर साई का हिस्सा मत करके खेल रहा है गाँव का थोड़ा सोनीपत आई टी बीपी के अंदर कार्यरत है आज साई सोनीपत का हिस्सा मत करके मैदान पर खेलने के लिए आया बहुत बेहतरीन जबरदस्त प्रदर्शन और हमारे बीच महावीर सिंह जी हमारे किसान दल के अध्यक्ष हैं और उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनके साथ अभी फिर से हाथ लगी है आठ नंबर दर्शी ने पार किया और जितेंद्र नाथ जी का भी हार्दिक स्वागत है आपने बच्चों मंडे पैस कहर बर्फ पर आए जबरदस्त गेम दिखा रहा है और इस बार नीरज को बाहर किया है आज भी जीता है और अंतिम अक्षर में मुकाबला यहाँ पर जो चल रहा है ये मुकाबला सतीश जी स्टेडियम मेरे बड़े भाई कर्जे का ये ब्लॉक है मैं शुक्रगुजार हूँ आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार आपने बड़े बता रहे सात उमाना और पांच अर्जुन स्टेडियम तीन सात और पांच पर बाप रे बाप सात और पांच और खाना फिर राजकोट जैसे मुझे अंग्रेज सीसी नजर आते हैं मुझे हमारे मैनेजर साहब हेड मैनेजर एचडीएफ जी ने सीसी की तरफ से खाना तैयार है और अंतिम अक्षरों में फिर आपसे अर्थात खाना तैयार प्लीज आप खाना खाइए और उसके साथ खिस्सपट्टी का इंजॉय कीजिए और सामने शुद्ध देसी घी की जलेबिया गोहाना की जलेबी सामने भंडार है उसका भी इंजॉय कीजिए बहुत छोटे मुकाबले हो रहे हैं हरियाणा टीम में बहुत जल्द से जल्द ये मुकाबले समापन की ओर है और ये टीम जल्द से जल्द प्लीज ग्राउंड रिपोर्ट करें 6-5 का स्कोर और ग्रीन आर्मी एक पॉइंट की बढ़त है भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज साइड हो जाओ भाई एक और कैच लगा दीजिए भाई इससे बाहर हो जाओ बेटा जी मान जाओ सुपर टैकल की सिचुएशन क्या है 23 एक और सुपर टैकल उसके बाद रोहता सोनू वर्षी गुरुश्याम और सुपर टैकल की सोच अर्जुन तीन का डिफेंस राकेश इस समर में ग्रीन आर्मी की तरफ से 2 पॉइंट की लीड आ गई ग्रीन आर्मी और क्या गजब बेहतरीन एक काफी अच्छा रोल देखने को मिलेगी चकमा और साई की तरफ से फेरे देखिए अंतिम अक्षरों में एक हॉल है अंतिम अक्षरों में बुखार है ताकि बार बार अनाउंस न करना पड़े जल्दी अपने आइए और मैच का एंजॉय लीजिए लाइट वाला भाई कहाँ का एक बार लाइट सेट कर दिएगा अपने लाइट वाला भाई विक्रम दुरानी एक बार माइक पर आ रहे छोटे भाई बहुत अच्छा लग रहा है माइक बिल्कुल सेट हो चुके हैं और लाइट में एक बार सेट कर ले ताकि सुपर टैकल तो सुपर टैकल को अंजाम दे चुका है खिलाड़ी स्कोर बराबर और अच्छा
और यहाँ सब देखिए आदरणीय निशान सिंह मलिक जी पूरा समय दे रहे हैं क्योंकि कबड्डी प्रेमी है और कबड्डी खिलाड़ी है। बहस मत कीजिए ग्रीन आर्मी, बहस मत करो भाई। देखिए ये रेफरी नहीं है, ये खुद प्लेयर भी है, अपने जमाने के स्टार प्लेयर रहे हैं। पॉइंट मिला है, इनके साथ बहस नहीं करनी। लीड आ गई एक पॉइंट की साई सोनीपत के पक्ष में। प्रो कबड्डी सीजन 10 में भाई बेंगलुरु बुल्स का हिस्सा था खिलाड़ी। दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास एक फनाल के बाद बैठे लीड अभी भी एक पॉइंट की साई सोनीपत के पास। और बहुत बेहतरीन और हरियाणा और लेकिन भाई तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। अंतिम 3 मिनट का समय शेष, रोमाना का जो स्कोर है और पॉइंट मिला ग्रीन आर्मी को एक पॉइंट के लिए। अभी भी साई सोनीपत के पास है नासिक आर्मी और जल्दी ग्राउंड रिपोर्ट करें, ग्राउंड नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है भाई। साथियों छोटे मुकाबले चल रहे हैं, ग्राउंड नंबर 1 पर रिपोर्ट करें इस मैच के दौरान। और कमाल के मुकाबले देखने को मिले अभी तक जो साई और रेड आर्मी के बीच होता है, बहुत जबरदस्त मैच था। रेड सेल पॉइंट लीड हो गई 2 पॉइंट की। अंतिम 2 मिनट का समय शेष, नीरज आखिरी 2 मिनट जी मेरा समय काटते हुए अनुरोध कमेटी के सदस्यों से जानते हैं 2 मिनट का समय शेष है 2 पॉइंट के लिए। साथी संदीप के तालू जी, उनके छोटे भाई भोला तालू जी हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। कमेटी सदस्यों से मेरा निवेदन, वो अपनी तैयारी करें और स्टेज पे कमेटी सदस्य जितने बैठे हुए सब अतिथि के लिए जगह बनाए, मेरी प्रार्थना है। भाई एक या दो भाई बहस करने की जरूरत नहीं, रेफरी का निर्णय अंतिम। एक पॉइंट ऑपरेट करें, लीड अभी भी एक पॉइंट की है साई सोनीपत के पास। हरियाणा के युवा प्रदेश कांग्रेस और डू और डाई रेड आनी है। अंतिम 1 मिनट का समय शेष और डू और डाई अगली आनी है। आपने यहाँ पहुंचे, आपका धन्यवाद। थोड़ा हम आपसे प्रार्थना भाई, ये स्टेज पर व्यवस्था बनाए टाइम आउट लिया है आपके भाई बच्चे। अंतिम 1 मिनट का अनाउंस हो चुका है और 1 पॉइंट की लीड है इस समय। तो आपसे मेरा निवेदन साई सोनीपत के पास फूलमाला। स्कोर की बात करें तो 10-9 स्कोर है भाई। घोड़ा तालू हमारे बीच में पहुंचे 1 पॉइंट की लीड में साई सोनीपत। रणदीप जी भाई क्या मंत्र देंगे और सामने बहुत अच्छा वही ग्रीन आर्मी का डिफेंस
और भाई ये मैच विनिंग रेड कह सकते हैं भाई। ले रखी है मैच अभी भी एक पॉइंट से लीड में है साई सोनीपत और भाई अंतिम रेड देखने को नहीं हो सकता है। अंतिम रेड है और मुकाबला समाप्त होता हूँ भाई। बाजी मारते हुए साई सोनीपत एक पॉइंट के साथ बाजी बाजी झूल गली ना गाले में तेरे फुट्टू के लिया झगड़ा जान तो झूल गया थाले में हरियाणी संस्कृति के गाने तो से 11 के साथ भाई बाजी मारी हमारा खेल कबड्डी आज 11 10 सौ मीटर बीती से गेम मैच समाप्त हो भाई तेज कमाल गए खिलाड़ी जबरदस्त गेम दिखाया इसने। लाइक करवा दोस्तों वीडियो चाहिए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।